याद रखो, इफ दे आस्क यू एज अ शॉर्ट नोट फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर भी तुमको ABCD जरूर लिखना है जो इधर दिया हुआ है, ठीक है? सो लेट अस अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ये बहुत इजी है. लेट अस गो टू द क्वेश्चन. सो व्हाट आर द फीचर्स? नंबर वन, मिनिमम टू पर्सन. ऑफकोर्स तुम खुद के साथ बात करोगे, बट ये वन इंडिविजुअल होगा. जबकि हम बात कर रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट, एज अ कंटेंट, इज बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है ना? तुम दो या ज्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हो, जिसमें से एक सेंडर ऑफ कम्युनिकेशन होगा, एक रिसीवर. तुम्हारे मन में आ रहा होगा, रिसीवर क्या सेंडर बन सकता है? द आंसर इज यस. कैसे होता है? इफ मैंने तुमको एक क्वेश्चन पूछा, तो मैं सेंडर हूँ, तुमको क्वेश्चन मिला, तुम रिसीवर हो. देन वंस यू रिप्लाई, यू आर द सेंडर एंड आई बिकम द रिसीवर, करेक्ट? ऐसा वो चेंज होते रहता है, सेंडर और रिसीवर. ओके, दूसरा, अब आज के तारीख में जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन इसके थ्रू होता है. व्हाट्सएप बोल सकते हैं, वीडियोस बोल सकते हैं, टेलीफोन, मोबाइल्स, ईमेल्स, फेसबुक, ठीक है ना? और तुम्हारे अपने फ्रेंड्स के साथ क्या, कौन सा, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और जो भी तुम यूज करते होंगे, ठीक है? सो जो मीडिया है, इट कैन बी फेस टू फेस. जब ऑनलाइन क्लासेस होता था अपना, तो फेस टू फेस था. अगेन, कंपनी में आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वहां पे भी फेस टू फेस काफी कम हो गया है. फेस टू फेस क्यों कम हो गया है? आजकल सॉफ्टवेयर सिंपल सॉफ्टवेयर है. अभी तुम रूम के उस कोने में बैठे हो, मैं इस कोने में बैठे हो. पहले फोन में मेरे डेस्क पे टेलीफोन रहता था, तुम्हारे डेस्क पे टेलीफोन होता था, तुम वहां से मुझे फोन करते थे. आजकल कम सब कंप्यूटर के सामने ही रहते हैं, तो कंप्यूटर के स्क्रीन में वो सॉफ्टवेयर में तुमको जो चैट मैसेज डालना है तुम डालोगे, मुझे इधर स्क्रीन में मिल जाएगा. बोलते ना, इंट्रा कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, विद इन द कंपनी. सो आजकल बोलने का जगह कम और कंप्यूटर और टाइपिंग ज्यादा हो गया है. अगेन, ऑफिस कम्युनिकेशन ज्यादातर इंटरनल होता है, जैसे बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने बताया, आजकल जो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें फेस टू फेस कम होता है. जैसे जापान में एक प्रथा है कंपनी का, जैसे कंपनी सवेरे 9 बजे का टाइम है, 9 बजे कोई आया तो बहुत इंसल्टिंग माना जाता है. कुछ लोग 8:30, कुछ लोग 8, सवेरे 7:30, 7, एक एक दो दो घंटा पहले आते हैं. मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जापान की बात कर रहा हूँ. और जैसे ही वो लोग आते हैं, फर्स्ट चीज होता है उनका मीटिंग होता है. फर्स्ट चीज ग्रुप मीटिंग, जो भी डिपार्टमेंट होगा उस ग्रुप मीटिंग में डिसाइड करते हैं दिन भर में क्या करना है, ठीक है? वो उनका फर्स्ट कम्युनिकेशन इंटरनल. जैसे शाम को 7 बजे का टाइम, कोई 7 बजे तो जाएगा नहीं, वैसे 9 से 6 का टाइम रहता है, लेकिन सब 7, 8, 9, 10, 12 घंटा तो कर ही लेते हैं. सो जाते समय उनका फाइनल कम्युनिकेशन क्या रहता है, दिन भर में उन्होंने क्या काम किया, ठीक है? अच्छा, आज का दिन ये था, पहला मीटिंग हुआ, आज क्या करने वाला हूं मैं, शाम को मैनेजर को मैंने भेजा, मैंने ये काम किया. अब कल जब मीटिंग होगा, ठीक है, कल, तो कल मीटिंग में सबसे पहले जो आज काम किया पहले उसका चर्चा होगा, फिर कल के दिन का टारगेट सेट होगा, फिर काम होगा, और फिर शाम को जो पूरे दिन में काम किया उसका ईमेल भेजूंगा मैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जापान में काम होता है. बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सो इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉर्मली इंडिया में भी मीटिंग्स होते हैं, बट इतने फ्रीक्वेंट नहीं जितने जापान में होते हैं. चौथा, मॉडर्न सॉफ्टवेयर यूज मैंने बोल दिया. आजकल तो एक से एक सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तुमको आमने सामने बात करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे स्क्रीन में ही चैट मैसेज आ जाता है. कितने सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुका है. और क्या होता है, मॉडर्न कम्युनिकेशन या नेसेसरी हो गया है आजकल कम्युनिकेशन, क्योंकि कंपनी भी समझ गई है कि कस्टमर के साथ
कांटेक्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो कंपनी टिक नहीं पाएगी। इसलिए तुम देखो हर एक कंपनी का अपना फेसबुक इंस्टाग्राम में कुछ ना कुछ चालू रहता है अपडेट डालना, ठीक है। इसको टेक्निकल भाषा में कंपनीज एंगेज्ड विद द कस्टमर बोलते हैं, ठीक है। और बिजनेस कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो फॉर्मल होता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब तुम जब ऑनलाइन बात कर रहे हो ऐसा कम होता है, डायरेक्टली काम की बात ज्यादा होती है और कॉन्फिडेंशियल रहता है। वो तो कंपनी का इंटरनल डिस्कशन, थिंकिंग और मैटर्स है ना, ये तो बाहर तो डिस्कस होना नहीं है। सो यू कैन से जो कंपनी का कम्युनिकेशन है विद इन द कंपनी इज कॉन्फिडेंशियल, ये बाहर के लोगों से डिस्कस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या होता है, जैसे मैंने जापान का बताया, आज का मीटिंग हुआ फिर शाम को तुम मैसेज भेजोगे, कल की मीटिंग में आज का जो काम किया वो डिस्कस करोगे, फिर कल का टारगेट सेट करोगे, फिर क्या काम किया वो भेजोगे, ऐसे इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसके थ्रू तुम लगातार गोल्स सेट करते जाते हो, अचीव करते जाते हो, नेक्स्ट गोल बनते जाता है, स्ट्रेटेजीज बनते जाता है। लेकिन फिर बैरियर्स आ जाता है। अभी बैरियर्स कैसे आता है, जैसे इफ तुम साउथ इंडिया जाओगे, साउथ इंडिया में लोग ज्यादातर तुम देखो कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, उनको कुछ लोग को तो हिंदी भी जमता नहीं है, तो बैरियर्स कैसे होएगा, तुम हिंदी जानते हो वो लोग हिंदी जानते नहीं, तुम्हारा इंग्लिश कच्चा है या उनका कच्चा है, तो कम्युनिकेशन के रुकावटें आ रहे हैं, ठीक है। वही तुम जैसे इंफोसिस जैसी कंपनी पुणे में, जिसके कंपनी में 60 जितने लोग हैं, ठीक है, या दुबई ले लो जो कि बोलते ना वर्ल्ड का ऐसा देश है, वैसे दुबई देश नहीं है, यूएई देश में 7 शहर है, उसमें दुबई एक माना जाता है, सो दुबई को कंट्री बोलना गलत होगा, यूएई कंट्री बोल सकते हैं जिसके अंदर दुबई एक पार्ट है, स्टेट बोल दो तो भी चलेगा। तो वहां के जो स्कूल्स है, जो टीचर्स है तुमको, या कंपनीज है जो कतार में, कतार ले लो, अबू धाबी ले लो, कतार यूएई का पार्ट नहीं, वो अलग है, ठीक है। सो यूएई में अबू धाबी, शारजा, दुबई, ऐसे जो भी है, यहाँ के जो स्कूल्स है ना, वहां जाओगे टीचर्स कुछ अमेरिका के होंगे, इंडिया के होंगे, मल्टीपल देश के लोग मिल जाएंगे, और कंपनी भी ले लो वहां पे, ऐसा हो सकता है एक टाइम में 50-60 देशों के लोग यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़े से बैरियर्स आ जाते हैं, विश्वास, बिलीफ, थिंकिंग सबका अलग रहता है। तुम यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन, अभी एक वर्ड शेड्यूल ले लो, हम शेड्यूल प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश इज ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश उसको स्केड्यूल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना। कई बार स्पेलिंग में भी फर्क आता है, ठीक है ना, वो लोग यू कई बार यूज नहीं करते, हम कई बार बोलते हैं ना यू, YOU नहीं, यू कई बार यूज करते हैं, इसलिए कई बार स्पेल चेक में देखो वर्ड में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश है और हमारा ब्रिटिश इंग्लिश है, इसलिए हम लोग यू डालते हैं और वो लोग बोलते हैं गलत वर्ड है। तो अब जैसे हम चेक CHEQUE बोलते हैं, अमेरिका में ये वर्ड यूज होता ही नहीं है, मैं तुमको लिख के बताता हूँ, हम लोग यूज करते हैं चेक के लिए, एक मिनट, ये चेक CHEQUE, अमेरिका वाले यूज करते हैं CHECK, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो अलग है, जिसकी वजह से बैरियर्स, रुकावटें आते हैं, ठीक है। और लास्ट में तुम क्या शेयर करते हो, थॉट, आइडियाज, बिलीव्स, इमोशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो ये तुम्हारा फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन था। कोई भी क्वेश्चन आया ना, उसमें तुम ये कहीं ना कहीं जोड़ सकते हो, इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। सो यहाँ खत्म होता है अपना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।